पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने तेज की लोकसभा चुनाव की तैयारियां। प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक जारी है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बैठक में शामिल हैं। प्रदेश महामंत्री भीखू भाई दलसानिया बैठक में मौजूद हैं। वहीं केंद्रीय योजना को बूथ स्तर तक ले जाने पर चर्चा की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी मजबूती के साथ तैयारियों में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा जुड़ गए। आदित्य, प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लगातार चल रही है, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी, किन मुद्दों पर चर्चा और विस्तार से मंथन किया जा रहा है इस मुद्दे में? देखिए पूजा, बीजेपी लगातार 2024 की तैयारी में जुटी हुई है और कई दौर की बैठक हो भी चुकी है। और आज जो नया प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया था, उसकी बैठक आज हो रही है। 2024 में केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरीके से बूथ स्तर तक ले जाया जाए, उसको लेकर के आज बैठक हो रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और प्रदेश के जो संगठन मंत्री हैं, महामंत्री हैं भीखू भाई दलसानिया, उसके अलावा क्षेत्रीय संगठन मंत्री बिहार और झारखंड के जो ज्वाइंट हैं महेंद्र जी, उसके अलावा तमाम जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक के सदस्य हैं, वो इस बैठक में शामिल हैं। और इन लोगों को ये बताया जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले केंद्र की जो जो योजनाएं हैं वो बूथ स्तर तक कैसे पहुंचे, लोगों के बीच में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ किस तरीके से मिल रहा है, इसकी जानकारी कैसे पहुंचे, इसको लेकर के आज तमाम नेताओं को बुलाया गया है। रणनीति पर चर्चा होगी कि बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बराबर मीटिंग करती रहती है, और आज जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि वो हमेशा इलेक्शन मोड में अलर्ट मोड में रहती है, और उसको जब भी कहीं भी चुनाव होता है तो वो उसके लिए उसको विशेष तैयारी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से संगठन के नया संगठन बनाया गया है, जो सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जो नई कमेटी बटी का गठन किया गया है, उन तमाम अधिकारियों को उनकी जिम्मेवारी का एहसास दिलाते हुए जिन जिन को जिस क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है उस क्षेत्र में रहकर उनको आगे के काम किस तरीके से सुचारू ढंग से किया जाए, उसको लेकर के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। पूजा, बिल्कुल आदित्य, और देखिए जिस तरह से लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए कोशिश की जा रही है और हर एक बीजेपी नेता कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, ऐसे में आदित्य जानना चाहूंगी कि क्या वाकई योजनाओं के जरिए संगठन को मजबूत करने में बीजेपी सफल साबित हो पा रही है? देखिए मुझे बीजेपी का जो संगठन है बहुत ही ग्राउंड लेवल तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि पन्ना प्रमुख एक वोटर लिस्ट का जो एक पेज होता है उसके लिए एक प्रभारी बनाया गया है, उसकी जवाबदेही होती है कि उस वोटर लिस्ट में जो जो मतदाता हैं उनको मतदान केंद्र पर कैसे पहुंचाया जाए। तो बीजेपी का जो संगठन है वो टॉप टू बॉटम जिसको बोला जाए वो हमेशा एक्टिव मोड में रहती है, और सभी को की क्या क्या भूमिका है, किनको किसके क्या जिम्मेदारी दी गई है, उसका बीच बीच में वो आकलन भी करते हैं कि जो आपको दिया गया था टास्क वर्क दिया गया था उसको उसकी स्थिति कैसी है। तो बीजेपी लगातार उसको लेकर के चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो या प्रमंडल स्तर पर हो, हमेशा मीटिंग की कार्यकर्ताओं के बीच में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हों या केंद्र का जो भी फरमान हो वो कैसे पहुंचाया जाए, उसको लेकर के बीजेपी लगातार तैयारी करती रहती है। और आज भी प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हो रही है उसमें वही जो नए पार्टी के पदाधिकारी बने हैं उनको किस क्षेत्र में क्या उनको क्या जिम्मेदारी दी गई है, उन तमाम बातों पर चर्चा हो रही है। पूजा, ठीक है आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।